रश्मि जी के समर्थन करते हैं इनका, क्योंकि नगर निगम की तरफ से हमारे मोहल्ले में कुछ भी काम नहीं हो रहा है वार्ड नंबर 17 में। तो हमें पूरा विश्वास है, ये पूरा लगन से काम करेंगी और जो जो इनके मुद्दे हैं उस पर जरूर खड़े उतरेंगी। पूरा हमारा त्यागी बिरादरी का समर्थन इनके साथ में। तो इनको आप क्यों सपोर्ट करना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जो वार्ड में कोई नगर निगम की साफ सफाई नहीं, कोई कचरे की गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं आती, तो हमें विश्वास है कि ये पूरा जो कुछ हमारी समस्या है पूरे को हमारे 7 सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें हम 7 मुद्दे हमारे जो हम अपने घोषणा पत्र में भी देंगे उन पर हम मुद्दों पर लड़ रहे हैं। जैसे कि पहला मुद्दा हमारा है हर गली में हर नालियां स्वच्छता का ध्यान रखते हुए नालियां साफ कराना बनवाना, और बच्चों के और महिलाओं के निःशुल्क हेल्थ शिविर लगाना, सड़कें बनवाना, लाइटों की व्यवस्था कराना, ये सब हमारा है, ये मुद्दे हैं जो आम जनता तक नहीं पहुंचते और जो घोषणा पत्र में रह जाते हैं हम उन्हें जो है पटल पर लाने की कोशिश करेंगे और अपने वार्ड को बिल्कुल स्वच्छ बनाएंगे। तो फिलहाल कौन लड़ रहा है आपके यहाँ पे? वार्ड नंबर 17 से मेरी बेटी रश्मि लड़ रही है और मदन पाल की पुत्र वधु है जी, कांग्रेस से निर्दलीय से। वार्ड नंबर 17 शिवपुरी से। मैं शिक्षित और सामाजिक लड़की हूँ और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो MA और BEd है, और मैं आप लोगों को पूर्णतः विश्वास दिलाती हूँ कि मैं वार्ड नंबर 17 शिवपुरी का पूर्णतः विकास करूँगी। यहाँ पर साफ सफाई की पूरी व्यवस्था करूँगी, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए समय समय पर मैं चिकित्सक रूप से भी कार्य करूँगी, उनका चेकअप कराऊंगी, और जो विधवाएं हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं मेरे वार्ड में, मैं उनकी जो पेंशन है उसकी पूर्णतः व्यवस्था कराऊंगी, और जो गली में टूटे फूटे गड्ढे हैं और लाइट्स की जो प्रॉब्लम है मैं उसको भी सॉल्व करूंगी। मैं पूर्णतः कोशिश करूंगी कि हर गली में लाइट हो और साफ सफाई का पूरा ख्याल रखूंगी कि घर घर नगर निगम की तरफ से जो कूड़े के लिए गाड़ियां जाती हैं वो प्रत्येक दिन जाएं, ताकि मेरा जो वार्ड है वो साफ सुथरा स्वच्छ रहे। जी, निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 17 से, और हमारे यही मुद्दे है कि भाई साफ सफाई अच्छी रहे हमारे मोहल्ले की और लाइट की व्यवस्था अच्छी रहे, जो सरकारी योजना आते हैं वो लाभार्थी तक पहुँच सके, उसके लिए पूरी प्रयासरत रहेगी। यही हमारा मुद्दा है।